सुहागी सड़क की स्थिति के भौतिक सत्यापन में सच्चाई सामने आई है। जिग जैग ऊपर नीचे लहरनुमा सड़क, अमानक स्तर का निर्माण, सेफ्टी फीचर का अभाव और व्यापक प्रशासनिक भ्रष्टाचार इसका मुख्य जिम्मेदार बताया जा रहा है। सड़क निर्माण कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर जिम्मेदारों पर FIR की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 सुहागी पहाड़ के पास 21 अक्टूबर 2022 की दरमियानी रात को हुए भीषण हादसे में दर्जनों लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद सड़क निर्माण घटिया गुणवत्ता, सड़क डिजाइन और ज्योमेट्री के मापदंडों का खरा न उतरना एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। सुहागी पहाड़ घटना स्थल पर कारण जानने के लिए पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी ने बताया कि रीवा मध्य प्रदेश से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 30 जो मनगवा से चाक घाट वाया सुहागी पहाड़ से होकर गुजरती है, उसे बेहद घटिया गुणवत्ता में बनाया गया है। उक्त सड़क को इंजीनियरों और जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा पास कर दिया गया, जिसमें सड़क की डिजाइन, उतार चढ़ाव, इंक्लिनेशन, ज्योमेट्री मानकों और सबसे प्रमुख सही मानक डिजाइन का अभाव है, जिसके कारण डेथ स्पॉट बन चुके सुहागी पहाड़ में आए दिन भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं। घटना स्थल से 1 किलोमीटर आगे और पीछे रोड का जायजा लिया गया तो देखा गया कि रोड में खेत जैसी नालियां बन गई हैं। रोड दब गई है, जिसकी वजह से यदि कोई वाहन, विशेष तौर पर बाइक सवार, उस नाली में घुस जाता है तो तेज रफ्तार में उनकी बाइक अथवा दो पहिए वाहन को नाली से बाहर तब तक नहीं निकाल पाएगा जब तक स्पीड को एकदम धीमा ना किया जाए। ऐसे में स्वाभाविक है आगे और पीछे से आने वाले चार पहिया वाहन दो पहिया वाहन को आसानी से ठोकर मार देते हैं। इसी प्रकार चार पहिया वाहन भी इन नालियों के बीच में फंस जाते हैं तो स्पीड में आसानी से इधर उधर नहीं मुड़ पाते और अपना कंट्रोल खोते हुए या कि घाटियों से टकरा जाते हैं अथवा सामने और पीछे से आने वाले वाहन से ठोकर खाते हैं। क्योंकि सड़क डिजाइन और ज्योमेट्री में NHAI मानक मापदंडों का पालन नहीं किया गया है, इसलिए घाटी की सड़क पर कितना उतार चढ़ाव और मोड़ पर कितनी जगह छोड़ी जानी थी, यह ना तो निर्माण कंपनी और ना ही भारत के इंजीनियरों ने उस मानक का पालन किया। अमूमन देखा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा नेशनल हाईवे सड़कों को बनाने के लिए एक निश्चित डिजाइन, ज्योमेट्री मानक, उतार चढ़ाव और सांकेतकों का नियम बनाया गया है, लेकिन अक्सर निर्माण कंपनी मनमानी करते हुए सड़क निर्माण में व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार कर सरकारी इंजीनियरों और मुलाजिमों के साथ मिलकर मनमाने सड़क निर्माण कर देती है, जिसका परिणाम यह होता है कि सड़कें उखड़ जाती हैं, दब जाती हैं, टूट जाती हैं और आए दिन भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं। आज जब इस भीषण सड़क हादसे पर स्पेशल टास्क फोर्स के द्वारा जांच की जानी चाहिए और दोषियों के ऊपर तत्काल FIR दर्ज कर कार्यवाही की जानी चाहिए, ऐसे में भारत जैसे देश में प्रशासनिक अधिकारी अगले दिन दीपावली मनाने में व्यस्त हो गए और दिवंगत आत्माओं की शांति प्रार्थना के साथ पीड़ित घायलों को मिठाई बांट कर अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। श्री द्विवेदी ने कहा, चाहे वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या फिर केंद्रीय ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, सभी ने शोक संवेदना व्यक्त की, घायलों और मृतकों को राशि आवंटन की घोषणा कर दी और अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। वास्तविक तौर पर देखा जाए तो ऐसे हादसों में तत्काल उच्च स्तरीय तकनीकी और प्रशासनिक कमेटी गठित करते हुए 24 घंटे के अंदर जांच कर दोषियों पर कार्यवाही की जानी चाहिए, जिसके बाद ही इस प्रकार के भीषण हादसों पर लगाम लग सकता है। आम आदमी की जिंदगी कितनी सस्ती है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भीषण सड़क हादसे होते रहते हैं लेकिन उसके बाद भी सरकारें मात्र शोक संवेदना व्यक्त कर और कुछ मुआवजे की राशि देकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेती हैं। लेकिन गौर करिए, यदि किसी CM, मंत्री अथवा सांसद या किसी बड़े सक्षम जनप्रतिनिधि के परिजन इस प्रकार सड़क हादसे में काल के कपाल में समा गए होते तो क्या यह CM, मंत्री, मिनिस्टर चुप बैठते? पता चलता कि अब तक तो इन्होंने पूरी दुनिया को अपने सिर पर उठा लिया होता और पता नहीं कितने अधिकारियों पर तत्काल गाज गिर जाती। लेकिन कितना दुर्भाग्य है कि आज सड़क हादसे में आम व्यक्ति अपनी जान गंवा देता है और बातें शोक संवेदना और कुछ मुआवजा राशि वितरण तक ही सिमट कर रह जाती हैं। सुहागी पहाड़ी स्थित अड़गड़नाथ शिव मंदिर में पुजारियों और आसपास के दुकानदारों से चर्चा की गई तो दुकानदार सतीश मिश्रा, लक्ष्मण पुजारी, पुजारी रविशंकर गोस्वामी, दुकानदार विद्यावती और श्रीनिवास आदि
द्वारा बताया गया कि टोल प्लाजा और चेक पोस्ट से लेकर नीचे सुहागी थाने के बीच में आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। विशेष तौर पर सुहागी पहाड़ एक डेथ वैली बन चुकी है, जिसमें उनकी जानकारी में अब तक कई सैकड़ों लोगों की जाने जा चुकी हैं और आए दिन यही कहानी है। शिव मंदिर अड़गड़नाथ के एक युवा पुजारी रविशंकर गोस्वामी ने तो यहाँ तक बताया कि वर्ष 2020 में उनके माता पिता बाइक से जा रहे थे, जिसमें दुर्घटना में उसी स्थल पर उनकी मौत हो गई। लेकिन ना तो सरकार से उनको कोई सहायता मिली और ना ही सड़क की स्थितियों में कोई सुधार हुआ है। एक बात जो सामने आई उसमें इन सभी के द्वारा बताया गया कि जब आए दिन सुहागी पहाड़ में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो सरकार यहां पर पर्याप्त लाइटिंग की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही है। साथ ही टोल प्लाजा, चेक पोस्ट, आरटीओ और पुलिस भी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ओवरलोड वाहनों को पैसे की लेन देन कर पास कर दिया जाता है और आरटीओ के द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। वहीं घटिया सड़क की गुणवत्ता को लेकर भी सभी ने प्रश्न खड़ा किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ये बम्पिंग इसमें नालियाँ, ये आप देख रहे हैं ना, ये नाली ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरी रोड में नाली जैसे बन गया है। ये सुहागी पहाड़ की पूरी तरह से टोटल रोड रिजेक्टेड है और इस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। अब आप देख सकते हैं ये जो गाड़ी आ रही है एक नाली में फंस गई है। अब यदि ये नाली से दूसरी तरफ गाड़ी यदि बाइक जाती तो कैसे जाती? स्वाभाविक है वो जो नाली की दीवार है, जो वॉल है, उस पर टच होने के बाद में अपना ये बैलेंस बिगाड़ देती, तो इसी तरह से अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं। मेरा नाम विद्यावती है। ये हम बोले थे कि यह ना लाइट ला के रोड में यह एक्सीडेंट होता है तो लाइट लागे चिकन हो, आरटीओ चिकन करे कि बस कंट्रोल करे कि धीमे धीमे जा, जो स्पीड में भागा था तो धीमे धीमे जा। यह हमारा निवेदन है। हमारा नाम श्रीनिवास है। ये घटना यहाँ सुहागी पहाड़ में हुई है। ये रोड सही नहीं है, यहाँ लाइट का अंजोर होना चाहिए। मेरा नाम सतीश मिश्रा है। हम यहाँ सुहागी ग्राम के निवासी हैं। 4-5 वर्ष से पहाड़ में दुकान किए हैं, चाय पान की छोटी सी गुमटी है। यहाँ जो पहाड़ में एक्सीडेंट होता है इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि ढलान में ब्रेकर नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती ब्रेकर बना दिया गया सड़क विभाग के द्वारा। दूसरी बात, अंधेरा है, अंधेरे के कारण एक्सीडेंट का असर होता है। तीसरा, वाहनों में जो ओवरलोड सवारियां निकलती हैं इसकी जिम्मेवार परिवहन चेक पोस्ट सुहागी बैरियर है। यहाँ बैरियर लगा है, वाहनों को चेक करना चाहिए, लेकिन पैसे लेकर ये वाहन नहीं चेक करते हैं और वाहनों को छोड़ देते हैं। ओवरलोड की गाड़ी असंतुलन खो जाती है और घाटी में इनका एक्सीडेंट हो जाता है। कम से कम वाहन टेक्निकल खराबी से एक्सीडेंटल होते हैं, अधिक से अधिक वाहन ओवरलोडिंग के कारण एक्सीडेंटल होते हैं। जो सड़क बनी है, सड़क में गुणवत्ता नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है, स्थान स्थान पर सड़क बैठ गई है, ये भी वजह एक्सीडेंट में पड़ता है। क्योंकि ध्यान में सिंपल समतल मार्ग चाहिए, ऊबर खाबर जो हो जाता है और हर ड्राइवर को इस घाट के विषय में नहीं मालूम है। आए दिन जो रात में एक्सीडेंट होता है, यही कारण है कि उनको जानकारी नहीं कि घाट की दौड़ान कितना है। कैसा आपका नाम क्या है? मेरा नाम रविशंकर गोस्वामी है। आप कहाँ के निवासी हैं और यहाँ क्या करते हैं? सुहागी गांव भगली टोला का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आप क्या करते हैं मंदिर में? मंदिर में से पूजा पाठ करता हूँ, रहता हूँ यहीं। अच्छा, ये पता चला कि आपके साथ कोई परिवार के साथ कोई घटना यहाँ 2020 में 30 अक्टूबर को हमारे मम्मी पापा का यहाँ जहाँ पास अभी बस का एक्सीडेंट हुआ उससे 100 मीटर पहले हमारे मम्मी पापा का वहीं पे एक्सीडेंट हो गया था, वहीं पे जगह पे ही मौत हो गई थी उन दोनों जन की। तो इस सड़क में क्या कमी आपको समझ में आती है? पहले यह था कि ब्रेकर नहीं थे,
हाँ, इसके वजह से हुआ था। अभी ब्रेकर भी बन गया, फिर भी रोज का रोज वही हो रहा है, एक्सीडेंट का बंद नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट तो हो ही रहा है। क्या सही नहीं होने के कारण, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो ये वाहन ओवरलोड वाहन आ रहे हैं उनकी वजह से कोई दिक्कत हो रही है? ये जो रोड है, रोड ओवरलोड की वजह से ही दब गई है। अभी बाइक लेके भी आप उतरो ना तो बाइक एक ही साइड भागती है, इसके वजह से ही एक्सीडेंट होता रहता है, क्या कर सकते हैं। ये बाइक जो एक तरफ भागती है, ये जो बीच में नाली जैसा बन गया है, उसकी वजह से है क्या? उसके वजह से अभी ओवरलोड जब गाड़ियाँ चलेंगी तो उनका चक्का दबेगा एक ही साइड में, तो इसके वजह से रोड भी दब जाती है, रोड मजबूत बनी नहीं है। तो इसमें और क्या इसमें सुझाव है आप लोगों का, इसमें क्या व्यवस्था? यही सुझाव है कि मतलब रोड अच्छे से बन जाए, मजबूत रोड बने, रोड की चेकिंग हो, रोड चेक की जाए कि क्यों ऐसा हो रहा है, रोड क्यों दब रही है, इसकी चेकिंग की जाए, गुणवत्ता का परीक्षण किया जाए। आपको यहाँ पर लाइट को लेकर के कुछ कहना है? लाइट तो यही है कि जहाँ यहाँ पे अंधे मोड़ है वहाँ लगा दी जाए, नहीं तो पूरे पहाड़ में जितने पहाड़ से यहाँ से ऊपर से लेके नीचे तक पूरे रोड में लाइट लगा दी जाए तो अच्छा रहेगा। आपके परिजन इस सड़क दुर्घटना में 2020 में चल बसे जी, उसके बाद आपने अपने जीवन में किस तरह से बदलाव देखे? कुछ नहीं, मेरा तो कुछ बदलाव नहीं है, हमको शासन की तरफ से भी कोई सहायता नहीं मिली है। बस मेरे पापा यहीं पे रहते थे, पुजारी का काम करते थे, भी उनके जगह पे मैं भी रहने लगा हूँ। पर इसके पहले मम्मी पापा थे तो मैं बाहर रहता था, अभी घर देखना पड़ रहा है, एक बहन है, एक भाई है, मैं हूँ जी। तो और जो यहाँ पे अन्य बातें हैं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि सड़कों पर लोग कुछ इस तरह से शराब वगैरह पी करके भी यहाँ पर, तो मंदिर के आसपास ऐसी कोई दिक्कतें आती हैं क्या? हो गया, वो तो आती जाती रहती, लेकिन ट्रक वालों को चेकिंग किया जाए, वो लोग शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, ट्रक वाले शराब पी करके गाड़ी ना चलाएं। और यहाँ पर जो चेक पोस्ट है सुहागी में, उसके बारे में आपका क्या कहना है? चेक पोस्ट है वो तो अपना काम कर ही रहा है, अभी वो जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहा है अपना। चलिए ठीक है, मैं लक्ष्मण कुजी पुजारी हूँ। ठीक है, अंधेरा के कारण से जो रोड दबी हुई है, इसके आए दिन सब दुर्घटनाएं होती रहती हैं, इसलिए लाइट व्यवस्था की ज़रूरत है, रोड की भी सुधार होना चाहिए। जो भी पुरानी गाड़ियां हैं उनको आरटीओ विभाग से उसको पास न किया जाए। चेक पोस्ट जो है, जो कि आए दिन पर घटनाएं होती रहती है, न हो। आप यहाँ पर देखिए, ये स्थितियाँ ये इसी तरह से, तो मतलब ये पूरी की पूरी रोड आप देख सकते हैं कि ये कई सारी नालियाँ, 2-3-4-5 इस तरह से नालियाँ पूरे रोड में बनी हुई है। अब इसका ड्रॉबैक्स देखिए, जब आप इस रोड में आप वाहन चला रहे हैं, और सपोज करिए आपका वाहन यदि दो पहिया है, कई सारे लोग तो दो पहिया जो आम है, दूसरे तीसरे इस तरह से एक्सीडेंट दो पहिया वाहन में होते रहते हैं, तो यदि ये नाली में फंस गया आपका वाहन और टायर को ऊपर लेना है, तो आप उस टायर को दूसरे साइड में नहीं कर सकते, क्योंकि एक नाली में आपका टायर फंसा हुआ है। और आप यदि चाहें कि अचानक कोई वाहन आ जाए, आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहें, तो उस नाली के आप दूसरी तरफ अपना टायर नहीं निकाल सकते हैं। आप कभी यहाँ पर आएँ तो प्रैक्टिकल कसरत भी देख लीजिए। इसी तरह से फोर व्हीलर वाहन में भी होता है, जब कोई ओवरलोडेड वाहन हैंडल घुमाने के लिए दिक्कत होती है, इसकी वजह से समय समय पर यहाँ पर टकराव भी होता रहता है। तो टकराव की वजह से ये जो इसकी रेलिंग यहाँ पर लगी हुई है, पूरी पूरी गुणवत्ता के दायरे में है, इसके विषय में जांच भी करवाए जाने का प्रावधान था, इसको रहा गया था मामले को, लेकिन आप रोड की स्थिति दे सकते न केवल यहाँ पर बल्कि इस पहाड़ी में कई सारे स्थानों पर आप ये देखेंगे रोड की पूरी जो स्थिति है वो इसी तरह से है, और आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होती रहती है, और बहुत ही ज़्यादा दुर्घटना है। जो वरिष्ठ अधिकारी हैं NHAI के, उनको इस बारे में लिख किया गया है, कई बार जिला कलेक्टर और नॉर्मल बात है जिला कमिश्नर, संभाग आयुक्त और DGP वगैरह को, चीफ सेक्रेटरी को लिखा गया है, चीफ मिनिस्टर को लिखा गया है, अभी नितिन गडकरी जी को, जो परिवहन और ये जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, केंद्रीय सेंट्रल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनको भी इसके बारे में लिखा गया है।
लेकिन अब ये देखना है कि इसकी जांच कब तक होती है। ये जांच यदि हो जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और ये बहुत ही क्लियर है कि इस रोड की जो डिज़ाइन है, यहाँ पर घाट की जो डिज़ाइन है, वो सही मापदंड में नहीं है। उसमें फैल होगी, रोड की गुणवत्ता में फैल होगी। इसके जो मूल्यांकनकर्ता सत्यापनकर्ता इंजीनियर हैं, उनकी यहाँ पर कंप्रोमाइज़ किया गया है। लेन देन करके घटिया रोड को इन्होंने पास कर दिया गया है। विश्वास तो ये भी है कि इसमें कई सारी लेयर लेयर इसमें नहीं रखी गई है जितनी लेयर होनी चाहिए, जितनी इसकी मोटाई होनी चाहिए। साथ में इसमें जो यहाँ पे टोल प्लाजा है, बंसल पाथवेज का जो टोल प्लाजा है, वो टोल प्लाजा के द्वारा लोगों से अवैध वसूली तो की जा रही है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा जो वजन लेकर के, एक्स्ट्रा टन को लेकर के ट्रक आते हैं, उनका अनलोडिंग नहीं किया जाता, उनको सीधे पास कर दिया जाता है, जिसके कारण भी ये रोड निरंतर हो रही है। RTO का इसमें रोल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि RTO विभाग भी इसमें कोई, पुलिस विभाग RTO विभाग भी कोई एक्शन इसमें नहीं ले रहा है। समय समय पर ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो सबसे बड़ी बातें हैं कि इसको देखना पड़ेगा कि इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसमें कई तरह से, कई सारे डायरेक्शन में कई सारे रोल हैं जो इस पूरे घटना के लिए जिम्मेदार हैं, और इसके विषय में इन सभी के ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। और निश्चित तौर पर कार्यवाही के तौर पर देखा जाए तो इनके ऊपर FIR दर्ज किया जाकर, ये जो भी इतनी हत्याएं हुई हैं इन लोगों के ऊपर हत्या का FIR दर्ज किया जाना चाहिए और इनके ऊपर कार्यवाही की जानी चाहिए। तो आज मैं ये 24 अक्टूबर 2022 आज दीपावली का दिन है, और हम आपके बीच में ये वस्तु स्थिति यहाँ पे पहुँचा रहे हैं कि ये जो एक दुर्घटना हुई है, यहाँ से 500 मीटर दूर है, वो वीडियो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। रिकॉर्डिंग की हुई है, यहाँ पर बस अभी भी खड़ी हुई है। ट्रक का जो पोर्शन था वो ट्रेलर का, वो तो चला गया है, वो खींच ले गया है, जो भी कंपनी रहा होगा, जिसका भी ट्रेलर रहा होगा, लेकिन बस अभी भी है, और बस इससे बड़े मुश्किल से 100 मीटर दूर ही ऐसे टर्न पे हुआ है। तो एक खतरनाक जगह है, जहाँ पर ये अति ढलान और रोड की जो डिज़ाइन की कमी के कारण, इसके अलाइनमेंट की कमी के कारण, ज्योमेट्री में कमी के कारण, और इसकी गुणवत्ता में कमी के कारण ये आज एक्सीडेंट हुआ है। इसके पूरी तरह से प्रशासनिक अधिकारी और ये कंपनी जिम्मेदार है। धन्यवाद। मैं शिवानंद द्विवेदी आपको यहाँ पर इस पूरे प्रकरण को दिखाते हुए इसको स्टॉप करता हूँ।